हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यो टेक पे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोकिया X5 का अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको बॉक्स किस तरह देखने को मिलता है, बॉक्स की क्वालिटी ठीक ठाक यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो है कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, तो यहाँ पे आप फोन की डिज़ाइंस वगैरह भी देख सकते हो। यहाँ पे मैन हाईलाइट किया गया है इसका एक नोच, जो आपको जिस तरह आपको नोकिया X6 में देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर नोच दिया गया है। और वहीं पीछे की तरफ जो है आपको यहाँ पर डबल कैमरा का यहाँ पर सेटअप्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं इसकी कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस वगैरह। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे 5.8 इंच की यहाँ पे 19:9 वाली HD+ डिस्प्ले दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ जो है आपको हाईलाइट किया गया है इसका डबल कैमरा। उसके बाद है इसका प्रोसेसर, यहाँ पर आपको जो है MediaTek का हीलियो P60 देखने को मिलेगा, जो स्नैपड्रैगन के 636 को आराम से यहाँ पे टक्कर दे सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोन को फटाफट जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे एक सिम इजेक्टर यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है, और मैं इसे रखता हूँ साइड में। और इसके अंदर जो है आपको कुछ यूजर्स गाइड वगैरह है, तो आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे यूजर्स गाइड वगैरह आपको देखने को मिलता है। फ़ोन के अंदर यहाँ पे एक डब्बा एक की तरह यहाँ पे पैकिंग किया गया है, तो इसके अंदर जो है आपको एक चार्जर देखने को मिलेगा, जो एक चाइनीज़ वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको चाइनीज़ वाला ही यहाँ पे चार्जर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ खास आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट जो है आपको चार्जर की यहाँ पर रेटिंग वगैरह दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है आपको 2 एम्पियर का यहाँ पे चार्जर दिया गया है, जो आप 3060 mAh की बैटरी को आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे कोई फास्ट चार्जर नहीं है, एक नॉर्मल चार्जर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो है आपको एक USB केबल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ोन की ओवरव्यू की। तो आप जो है यहाँ पर फ़ोन देख सकते हो, यहाँ पर फ़ोन जो है काफ़ी स्लिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ़ोन जो है काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे बेटर बनाया गया है, जिस तरह आपको जो है नोकिया X6 में आपको जो है यहाँ पे पतला नोट आगे देखने को मिलता था, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरा फ़ोन को यहाँ पे बेजल लेस बना दिया गया है। फ़ोन में जो है आपको आगे प्लस पीछे यहाँ पे ग्लास का फिनिशिंग दिया गया है, जिसके कारण ये फ़ोन जो है काफ़ी कमाल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है फ़ोन के सबसे ऊपर यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सामने की तरफ जो है 8 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो फेस अनलॉक और AI फीचर से यहाँ पे लैस है। फ़ोन के जो है सबसे नीचे आपको जो है USB Type-C और एक जो है यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात करें फ़ोन की बैक साइड की, तो यहाँ पर जो है आपको फ़ोन की बैक साइड पर काफ़ी यहाँ पर कमाल का है, जो ग्लास फिनिशिंग यहाँ पर दिया गया है। पीछे की तरफ जो है आपको यहाँ पे डबल कैमरा देखने को मिलेगा वर्टिकली, और यहाँ पे जो है एक LED फ्लैश भी दिया गया है, और ये सबसे नीचे जो है आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है फटाफट मैं कर लेता हूँ फ़ोन की सेटिंग्स वगैरह। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं फ़ोन की सेटिंग्स वगैरह। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट मोड में आपको यहाँ पर किस तरह यहाँ पर फ़ोन देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक नोच दिया गया है, जो नोकिया X6 से यहाँ पे काफ़ी बड़ा नोच यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन की यहाँ पे फर्स्ट लुक। अगर यहाँ पे बात कंपैरिजन करें इस फ़ोन की नोकिया X6 तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो फ़ोन की PC की डिज़ाइन आपको नोकिया X6 से यहाँ पर आपको किस तरह देखने को मिलता है। काफ़ी यहाँ पर फ़ोन की डिज़ाइन जो है नोकिया X6 से ही यहाँ पर मिलता जुलता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ सामने की तरफ जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा अलग यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे नोकिया X5 में यहाँ पे आपको नोच वगैरह देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें फ़ोन की कैमरे की, तो यहाँ पे जो है आपको PC की तरफ जो है 13+5 MP का यहाँ पर डबल कैमरा देखने को मिलेगा। तो
तो चलिए यहाँ पे आपको जो है कुछ फोटो सैंपल्स वगैरह यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो।